In this lecture, I am going to explain you the calculation of Karl-Pearson coefficient of correlation in discrete and continuous series. खंडित्व और खंडित श्रेणी में Karl-Pearson का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कैसे किया जाता है? Individual series में मैंने already समझाया है कि Karl-Pearson coefficient of correlation कैसे find किया जाता है. तो Karl-Pearson coefficient of correlation in discrete और continuous series, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि in bivariate frequency डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं उसका, कि फॉर्मूला क्या होता है, और फिर एक एग्जांपल के साथ अपन उसको समझते हैं. तो जब भी Karl-Pearson कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होता है आर विद दी इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज, फॉर्मूला विल बी एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन होल अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, देन एन इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डी एक्स और डी वाई कैसे निकलेगा. ऐसे Karl-Pearson कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इंडिविजुअल सीरीज में निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है शॉर्टकट. जबकि कंटिन्यूस और बाइवेरेट फ्रीक्वेंसी या डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एक ही फॉर्मूला होता है, ये वाला आर इक्वल्स टू एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन होल अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर. जब डायरेक्ट मेथड होता है तो डी एक्स एक्स माइनस एक्स बार और डी वाई वाई माइनस वाई बार, दैट इज डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन. जबकि यहां पर जो डेविएशन काउंट होता है वो होता है एज्यूम मीन से. हम ये भी कह सकते हैं डेविएशन फ्रॉम एज्यूम mean. Now we see the calculation of Karl-Pearson coefficient in bivariate frequency with the help of an example. Now this is the example. जब भी आपको Karl-Pearson coefficient of correlation निकालना होगा discrete और continuous series में, आपको ऐसे एक table दी जाएगी जिसका नाम होता है bivariate table. इसको two way table भी बोला जाता है. एक तरफ age of wives, दूसरी तरफ husband age of husbands. 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 and 65 to 75. Bivariate frequency में frequency common दी रखी होती है. 25 to 35 age of husband है उसमें भी 3 है, और 20 to 30 wives है वो भी 3 है. Now इस condition में सिर्फ आपको dx और dy calculate करना है, उसके बाद उसको fdx एफ डी एक्स स्क्वायर एफ डी वाई स्क्वायर एंड एफ डी एक्स डी वाई. लेकिन उससे पहले हमें यह फाइंड करना होगा कि x और y क्या है, बिकॉज यहां पर हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए डी एक्स निकालना होता है x माइनस a अपॉन i से, और डी वाई निकालना होता है y माइनस a अपॉन i से. डी एक्स इज कैलकुलेटेड x माइनस a अपॉन i एंड डी वाई इज कैलकुलेटेड y माइनस a अपॉन i. तो x और y का है, x और y तो हमें कैलकुलेट करना होगा, जो कि मिड वैल्यू होता है. जब भी डिस्क्रीट और सॉरी जब भी डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमें x फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2. तो सेम
यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहां पर भी दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये नहीं गिवन है कि x सीरीज कौन सी है और y सीरीज कौन सी है, तो अपन किसी को भी x मान सकते हैं और किसी को भी y मान सकते हैं। जैसे इसको x मान लिया क्योंकि ये टू वे टेबल है, और इसको हमने y कंसीडर कर लिया, इट इज x और इट इज y। लेकिन ध्यान क्या रखना है, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इफ we assume age of husband is x, then dx is calculated here, and if age of wife is y, then dy is calculated here. अगर आपने इसको y माना है, then dy calculated is here, and अगर इसको x माना है, then dx is calculated here. So अब अपन सबसे पहले x और y calculate करते हैं। तो x calculate करना है, तो 25 plus 35 divide by 2. 25 plus 35 divide by 2, it is 30. 35 plus 45 divide by 2, 40. 45 plus 55 divide by 2, 50. 55 plus 65 divide by 2, 60. And 65, 75 divide by 2, 70. It is 30, then 40, 50, 60, and it is 70. Now, same, here we calculate y. 20 plus 30 divided by 2, 25. 30 plus 40 divided by 2, 35. 40 plus 50 divided by 2, 45. 50 plus 60 divided by 2, 55. And 60 plus 70 divided by 65. These are the x and y. Now, we calculate dx and dy. Now, dx is calculated by x minus a upon I. इनमें से किसी भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, a मान सकते हो। जैसे मैंने 50 को a कंसीडर कर लिया, नाउ 50 इज कंसीडर्ड एज a, 30 इज x, 50 इज a, 30 माइनस 50 अपॉन I मींस क्लास इंटरवल ऑफ x सीरीज, इनके बीच का डिफरेंस, l1 और l2 के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, दैट इज डिवाइड बाय 10. तो 30 माइनस 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 10, इट कम्स माइनस 2. तो dx इज माइनस 2. 40 माइनस 50, इट इज माइनस 10 डिवाइड बाय 10, माइनस 1. 50 माइनस 50, 0. 60 माइनस 50 डिवाइड बाय 10, 1. एंड 70 माइनस 50, 20 डिवाइड बाय 10. डिवाइड बाय 10 मींस क्लास इंटरवल, इट इज 2. Now, same, here we calculate dy. Now, consider 45 as a. 45 को आपने क्या मान लिया है? A मान लिया है. तो 25 minus 45. एक करके बता देता हूँ मैं. Y minus a upon I. Y. Y is 25. Y is 25. Minus a. A is 45. डिवाइड बाय क्लास इंटरवल 10, इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है, 10 है। तो 25 माइनस 45 माइनस 20 डिवाइड बाय 10, इट इज माइनस 2. तो dy इज माइनस 2. 35 माइनस 45 माइनस 10 डिवाइड बाय 10, इट इज माइनस 1, 0. 45 माइनस 45, 0. 55 माइनस 45, 10 डिवाइड बाय 10, 1. 65 माइनस 45, 20. 20 डिवाइड बाय 10, 2. Now this is f and this is f. Now we have to calculate f dy and f dx. Now f dx and f dx square. F dy and f dy square. Eight into minus 2, minus 16, 38 minus 1, 38, 0, 9 into 1, 9. How we calculate fdx square? When dx is multiplied by fdx. Jab aap dx ko fdx se multiply kar doge, it will come fdx square. When dx is multiplied by fdx, it comes fdx square. And same, when fdy is multiplied by dy, it comes fdy square. So, minus 2 into minus 16, 32, minus 1 into 38,
38, 0, 1 into 9, 9, 2 into 2, 4, and 2 into 4, 8. -2, -32, -43, 0, 17, 14 into 2, 28. Dy into fdy, fdy square, 64, 43, 0, 17, and 56. These are fdy, fdx, fdy square and fdx square. Now, one thing is remaining, that is fdx dy. ये आप कहीं पर भी फाइंड कर सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन एफ डी एक्स डी वाई निकलेगा कैसे? तो एफ डी एक्स डी वाई को निकालने के लिए हमें एक एक डी एक्स को लेके चलना होगा. पहले अपन इस डी एक्स को लेंगे और इन सब डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस वन को लेंगे, इन सब डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इस जीरो को लेंगे, इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वन को लेंगे, इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस टू को लेंगे और इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे. जो अपन इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो लिखेंगे का जहां ये दोनों आके मिलते हैं. जैसे -2 into -2 इट इज +4, इधर से चलते हैं और इधर से चलते हैं, ये दोनों आके कहां मिल रहे हैं? इस सेल में मिलते हैं, इस बॉक्स में. तो यहां पर -2 into -2 +4, 4 into 3, 12, इट इज एफ डी एक्स डी वाई. हुआ क्या, जब यहां पर अपन ने f, अब ये भी कह सकते हैं कि f dy को फिर dx से मल्टीप्लाई कर दो, वो पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां ये जो है ये वाइफ्स की फ्रीक्वेंसी है और ये हस्बैंड की फ्रीक्वेंसी है, हमें उसको मैच करने के लिए क्या करना होगा, -2 को -2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, dx dy आया. जब हम इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जो इन दोनों की सेम होती है, यहां अलग अलग है, ये इस साइड की है, ये इस कॉलम की, इस रो की है और ये इस कॉलम की है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इन दोनों की एक है. तो dx को dy से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 into -2 +4, और फिर यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये है f dx dy 12. अगेन इसी माइनस टू को नेक्स्ट dy से मल्टीप्लाई करना है, -2 multiplied by -1, पहले इससे किया अब इससे करना है, -2 लेके चलो और -1, -2 into -1 +2, बट यहां पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे, -2 into 0 फ्रीक्वेंसी नहीं है छोड़ देंगे, -2 into 1 -2 फ्रीक्वेंसी नहीं है छोड़ देंगे, -2 into 2 -4 यहां फ्रीक्वेंसी है, -4 into 5 -20. ये एक कॉलम का dx dy f dx dy निकला है. सेम सेकंड कॉलम के लिए करेंगे, -1 into -2 दोनों यहां इस सेल में आके मिल रहे हैं, तो -1 into -2 +2, 2 into 10, 20, -1 into -1 +1 into 15, इट इज 15, -1 into 0 यहां फ्रीक्वेंसी नहीं है छोड़ दो, -1 into 1 -1, -1 into 7 -7, -1 into 2 -2, -2 into 6 -12. ये सेकंड कॉलम की एफ डी एक्स डी वाई आ गया. नेक्स्ट 0, 0 into -2 0, यहां 0 लिख देंगे, 0 into -1 0, यहां पर 0 आ जाएगा, 0 into 0 यहां 0 हो जाएगा, 0 into 1 0 यहां पर भी 0 हो जाएगा, 0 into 2 क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे. जिस सेल के अंदर जिस बॉक्स में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है उसको छोड़ दो. नाउ 1 1 into -2 फ्रीक्वेंसी नहीं है छोड़ दिया, 1 into -1 1 into -1 -1 1 into -1 -1 -1 into 3 -3, 1 into 0 0 0 into 3 0, 1 into फ्रीक्वेंसी नहीं है छोड़ दो, 1 into 2 2 2 into 3 6, इस कॉलम की आ गई. नेक्स्ट इस कॉलम के लिए 2 2 into -2 फ्रीक्वेंसी नहीं है छोड़ दिया, 2 into -1 फ्रीक्वेंसी नहीं है, 2 into 0 0 0 into 2 0, 2 into 1 छोड़ दिया, 2 into 2 फ्रीक्वेंसी नहीं है छोड़ दिया. नाउ अब आप इसकी टोटल कर लो, ये जो मैंने सर्कल्स में लिखे हैं, आप चाहो तो इसकी रो वाइज टोटल कर सकते हैं और इफ यू वांट इसकी कॉलम वाइज भी कर सकते हैं.
तो अपन रो वाइज कर देते हैं, 12 प्लस 20 32, 15 माइनस 3 12 इट्स 0, माइनस 7 माइनस 20 प्लस 12 एंड माइनस 20 माइनस 12 और 6 इट्स माइनस 26, माइनस 20 माइनस 12 6 26. नाउ अब आप इन सब की टोटल कर लें. इज माइनस 41 87. It is sigma FDX. It is sigma FDX square. Minus 30. Sigma FDY. 44, 43, 76, 180. अब सारी चीजें हम फाइंड आउट कर चुके हैं. सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी वाई, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एफ डी एक्स और डी वाई कैलकुलेट करना. जब ये सारी चीजें हमारे पास आ गई है तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं. और हाँ, आई फॉरगेट टू टेल यू दैट इज इट इज एन. जब भी आप बाइवेरिट फ्रीक्वेंसी लेंगे तो कॉलम की टोटल और रो की टोटल हमेशा क्या होगी, सेम होगी. ये रो की टोटल, ये कॉलम की टोटल, ये 100 इज दी एन जो कि हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी. होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया हो. अब मैं इसके आगे फॉर्मूला पुट करके सॉल्यूशन करता हूं. R इक्वल्स टू एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन होल अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर. ये सारी चीजें हमारे पास यहां पर है. तो सबसे पहले R इक्वल्स टू एन इज 100 इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इज 11 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स माइनस 41 टू सिग्मा एफ डी वाई माइनस 30 अपॉन होल अंडर रूट एन इज 100 इंटू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर. सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इज 87 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर. सिग्मा एफ डी एक्स इज 41 एन 100 इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर 180 माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर. हंड्रेड इंटू इलेवन 1100 माइनस माइनस प्लस दैट इज 41 इंटू 30 दैट्स 1230 डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट 100 इंटू 87 8700 माइनस 41 स्क्वायर 16
18,000 minus 30 square 900. It's 1100 minus 1230 is minus 130. अपॉन इसके आगे ये स्टेप कंटिन्यू हो रहा है अंडर रूट 8700 माइनस 1681 इट इज 7019 इनटू 18000 माइनस 900 इट इज 17100 माइनस 130 डिवाइड बाय अंडर रूट 7019 इनटू 17100 सो आर इक्वल्स टू माइनस 130 डिवाइड बाय अंडर रूट 7019 इंटू 17100 इट कम्स 1200249 00 माइनस 130 डिवाइड बाय अंडर रूट इट इज 10955.58 सो 130 डिवाइड बाय 10955.58 इट इज माइनस 0.01186 और वी कैन राइट 0.0119 आर इक्वल्स टू इट इज नेगेटिवली लो बिकॉज इट कम्स अंडर 0 to -0.25 सो रिलेशन बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ इज नेगेटिवली लो होप यू अंडरस्टैंड दिस calculation of Carl Pearson coefficient of correlation in bivariate frequency distribution. Thank you so much.